कैसे हो आप? समीत कर रहे हो, सब खैर से होंगे। तो गाइस, मैं आज आपको इस वीडियो में एक थंबनेल कार देने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ये वो कार है। तो अगर आपको ये अपनी गेम में ऐड करनी है तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं पे स्किप ना करना वीडियो को। तो गाइस, जो मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, साथ ले घंटों भी बाहर हैं, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस, मैं आपको वो कार भी दिखा देता हूँ, कौन सी वो कार है उसका रिव्यू आपको सही तरीके से दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वो कार है। तो ओनली DFF है इसका, तो सिंपल इंस्टॉलेशन है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना कहीं पे। वीडियो में पासवर्ड भी है, तो देखते रहो वीडियो को और मैं आपको इसका रिव्यू दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल OP ये डिज़ाइन की हुई है। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरा चैनल भी चेक कर सकते हो जाके। वहाँ पे आपको इससे भी और अच्छे अच्छे मूव डिटेल्स एंड एड्रेस के मिलेंगे, तो मैं आपके लिए ऐसे मूव लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करके जाना मेरे चैनल को। गेम प्ले यहाँ पे इसका रिव्यू देख लो, तो मैं आपको फिर बताता हूँ एंड में आप इसे कैसे अपनी गेम में ऐड कर सकते हो। मैं आपको इसका सा फ्रंट भी दिखा देता हूँ सही से। तो गाइस, इसे इंस्टॉल करने के लिए मैंने सब फाइलों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहां से जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। करने के बाद जेड अर्चीवर कोड इंस्टॉल करके ओपन करके उसी फोल्डर में चले जाएं जहां पे आपने फाइल को डाउनलोड किया होगा। फिर उसके ऊपर क्लिक करके, जैसे आप एक्सट्रैक्ट केयर पर क्लिक करेंगे तो आपसे सामने कुछ ये पासवर्ड मांगा, तो ये पासवर्ड आपको स्क्रीन पर शोर होगा। ये पासवर्ड जैसे आप देख के ओके करेंगे तो आपके सामने इसका DFF आ जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, IMG टूल को ओपन कर लेना है। IMG टूल को ओपन करने के बाद ओपन IMG टूल पे क्लिक करना है और फिर आपको चले जाना है एंड्रॉयड में, डाटे में। इसके बाद कॉमडोर रॉकस्टार GTSA फाइल TXDB और यहाँ पे GTA 3 IMG को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, तो वहाँ पे क्लिक कर ऐड फाइल विद रिप्लेस पे क्लिक करना है। फिर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद उसी DFF को आपको सेलेक्ट करना है जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है, तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा। ये प्रोसेसिंग जैसे इसकी कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको उसी 3 डॉट पे क्लिक करके रीबिल्ड पे क्लिक करना है। जैसे ये रीबिल्ड कंप्लीट हो जाए तो आप अपनी गेम सिंपली चला सकते हो। आपका मूड आपकी गेम में आ चुका होगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया और लाइक भी कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगी हो। तो गाइज, सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। तो मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।